नमस्ते, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्यूरियस करी पे। मैंने कहीं पढ़ा था, ट्रैवल इज नेवर अ मैटर ऑफ मनी बट ऑफ करेज, एंड मेरी इस ट्रिप के लिए मुझे काफ़ी करेज लगा। तो चलिए मेरे साथ और देखिए मेरी ट्रिप टू मुरुडेश्वर एंड नेत्रिनी आइलैंड। सो थर्सडे नाइट ओवरनाइट जर्नी के बाद हम पहुँचे मुरुडेश्वर। सिंस हमारा स्कूबा डाइविंग नेक्स्ट डे था, तो हम निकल पड़े थोड़ी सी साइट सीइंग के लिए। हम पहले गए मैंग्रोव ब्रॉड वॉक, के बाद हम गए इको बीच। ओ माय गॉड, दिस बीच वाज सो क्लीन, हम लोग अपने आप को पानी में जाने से रोक ही नहीं पाए। लंच के बाद हम गए मरीन पार्क। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ब्रेथ टेकिंग व्यूज देखने के बाद हम अपने रूम में आके थोड़ी देर रेस्ट करने लगे। सनसेट देखने के लिए हम फिर से गए मुरुडेश्वर स्टैचू के पास। बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट देखने के बाद हमने डिनर किया एंड हम थोड़ी देर बीच पे बैठे। नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि हम सबको स्कूबा करना था, इसीलिए ये ट्रिप प्लान हुई थी एंड हम सब ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े स्कूबा के लिए टू नेत्रिनी आइलैंड्स। जैसे ही बोट थोड़ा मूव होना स्टार्ट हुई, मुझे वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। मे बी मैंने एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। बट एज सून एज वी रीच टू द आइलैंड, मेरी तबीयत एकदम ही ठीक हो गई एंड आई वॉज एक्साइटेड फॉर माई डाइव। आई थिंक मैं अपनी डाइव के बारे में बोल के जस्टिस नहीं करूँगी, तो आप खुद ही देख लीजिए। डाइव के बाद हमने कुछ देर स्नॉर्कलिंग की। हम बोट पे थे, बोट पे स्नैक्स अवेलेबल थे, सो वो स्नैक्स प्लास्टिक बैग में पैक किए हुए थे। दो वहाँ पे कचरे का बिन था टू डिस्पोज देम, बट कुछ लोग थोड़ा सा केयरलेस थे एंड वो प्लास्टिक के बैग पानी में जा गिर रहे थे। सो वन ऑफ माई फ्रेंड वो जाके उसे ले आया एंड सो दैट वी कुड डिस्पोज इट ऑफ करेक्टली। ले दो। Thank you so much, Madin. God will bless you. The fishes will love you. Lovely. फिर काफी देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम सब वापस चल पड़े टू मुरुडेश्वर। ओ माई गॉड, वॉट अ डे। नेक्स्ट डे वी लेफ्ट फॉर गोकर्णा। ऑनेस्टली आई फाइंड गोकर्णा ओवरहाइप्ड। बीच इतना कमर्शलाइज था, टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से क्लीननेस भी कम थी। आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड, सो वी डिसाइडेड टू गो बैक टू कुडले बीच फॉर अ लवली लंच। लंच के बाद वी लेफ्ट फॉर आर ट्रेन एंड वी वर बैक टू मुंबई एट 4 AM विथ अमेजिंग मेमोरीज, सुपर फन एक्सपीरियंस। सबको लाइफ में एक बार डेफिनेटली करना चाहिए। इट इज़ सो अमेजिंग टू सी कि हमारी दुनिया के अलावा भी एक अंडर वाटर दुनिया है जो इतनी ब्यूटिफुल है एंड हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड ट्राई टू कीप इट क्लीन, कीप आर एनवायरमेंट क्लीन। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। Till then, take care of yourself and our environment. Bye!